वकफ बोर्डना पूर्व चेरमेन वसीम रिजवीए सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफनी आयातों बाबते अपील करी छे। तेना विरोध में मोडासना कस्बा जमात दी कस्बा एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा अरवली जिल्लाना पोलीस वड़ा अने जिल्ला कलेक्टर ने रजूआत करी आवेदन पत्र पाठव्यू, जेमा वसीम रिजवीए सुप्रीम कोर्ट में आसमानी किताब गणाती कुरान शरीफनी अमुक आयातों फेरबदल करवा बाबते अपील दाखिल करी छे। आ अपीलों मोडासा कस्बा जमात अने दी कस्बा एज्युकेशन ट्रस्ट तथा तमाम कस्बाना रहीशो आ अरजीनो सख्त विरोध नोंधाव्यो छे। त्यारे सुप्रीम कोर्टनी आ अपील फाइल करवा तेमज तेना उपर रोक लगावा तेमज कार्यवाही करवा माटे अरवली जिल्लाना पोलीस वडा संजय खरात अने जिल्ला कलेक्टरने आवेदन पत्र आपी आवा नापाक इरादा करवावाळा भारत देशमां अशांति वातावरण ऊभुं करे एवुं लागे छे। तो तात्कालिक वसीम रिजवीनी धरपकड़ करवानी मोडासा कस्बा जमात अने दी कस्बा एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा रजूआत करी आवेदन पत्र पाठव्यु हतुं। अनीस आदम, ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीवी न्यूज, अरवली। आज रोज तारीख 15/3/2021 रोज मेहरबान जिला रजिस्ट्रार साहेब ने, जिला पोलिस वड़ा साहेब ने कस्बा जमात तरफ थी एक आवेदन पत्र, एज्युकेशन तरफ थी एक आवेदन पत्र आप आवेदन पत्र बाबते सियापंतना वसीम रिजवीए जे कुरान पाक आसमानी किताब गणाय छे ते बाबते अमुक आयतो फेरबदल माटे सुप्रीम कोर्टमां अरजी करेल छे। आ अरजीनो कस्बा मुस्लिम समाज, कस्बा जमात, कस्बा युनिटर सखत विरोध करे छे। नावा तत्वोनी तात्कालिक धरपकड थाय तेवुं अमे माननीय सुप्रीम कोर्टने अरज करीए छीए। आज रोज कलेक्टर साहेबनी तबियत नादुरुस्त होवाथी डेप्युटी कलेक्टर साहेबने તેમના વતીથી અમે આવેદનપત્ર રજૂ કરેલ છે, સખત વિરોધ નોંધીએ છીએ નાવા તત્વોની। ફરી એકવાર અમે કહીએ કલેક્ટર સાહેબને કે અમારી મીડિયા થ્રુ આ વાત ભારત સરકારને પહોંચાડે અને તાત્કાલિક આવા નાપાક ઈરાદાવાળા તાકોતોને જેલના સળીએ દાખલ કરે।